पास गए तो डॉक्टर ने एक सिस्टम दे दिया, ये टेस्ट प्लस टेस्ट क्यूर इंटरेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, सारा टेस्ट बाद में जीरो, कुछ नहीं निकला, आप परेशान हो, आपका माइंडसेट परेशान है, जस्टिस का प्रोडक्ट खाओ, कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तैयार है? 2030 में ऑटोमेशन का जमाना आने वाला। अभी एक पिक्चर आई थी, देखा था आपने, फैक्स मशीन जानते हो, फैक्स कुछ लोग बोली नहीं, कौन सा चिड़िया का नाम है फैक्स, क्या है फैक्स मशीन में क्या होता है, इधर से पेपर डालो, बटन दबाओ, जहां भेजना है वहां निकल जाएगा, यस और नो? 2030 में क्या होगा, इधर से आदमी डालो, बटन दबाओ, कहीं भी निकलेगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, मिस्टर इंडिया देखा आपने, बटन दबाए गायब, कुछ तो रॉकेट होगा ना, कुछ तो सिस्टम होगा। और एक कहावत है, जिसके ऊपर जग हंसा उसी ने, थॉमस एडिसन के ऊपर लोगों ने हंसा था, ये पागल हो गया, अंधेरे में रोशनी करेगा, आज उसी रोशनी में बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं। यस और नो? राइट हिटर्स के ऊपर लोगों ने ऐसा था कि पागल हो गए दोनों भाई, लोहे को हवा में उड़ाएंगे। अभी उसी लोहे पे बैठ के हम लोग कहां गए थे, कहां गए थे, 15वां ट्रिप था मेरा, 15 बार वर्ल्ड टूर गया। कितने लोग फॉरेन जाना चाहते हो, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, तो क्या हवा में उड़ के जाओगे, पासपोर्ट तो बना लो यार, पासपोर्ट भी नहीं बना सकते हो 2000 की चीज, इतना आसान कर दिया अभी गवर्नमेंट ने, पासपोर्ट बना लो, अप्लाइन खींच के ले जाएगी, अप्लाइन खींचे भी तो सही, पासपोर्ट वहां जाके रुक जाता है, पासपोर्ट रहेगा तो अप्लाइन उठा के ले जाएगी, टेंशन मत लेना। अभी एक रॉबर्ट पिक्चर आई थी, रॉबर्ट कितने लोगों ने देखा था, रॉबर्ट पिक्चर, उसमें एक लास्ट का सीन है, याद है आप, म्यूजियम का, बच्चे टीचर के साथ म्यूजियम में जाते हैं और वहां पे रोबोट को देखते हैं कांच में, तो बच्चे टीचर से पूछते हैं कि रोबोट को डिसमेंटल क्यों किया गया, तो रोबोट से क्या आवाज आया था, हेलो मैं सोचने लगा, एक लोहा अगर सोच सकता है तो हम क्या हैं? अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, हम क्या हैं? सोच सकते हैं नहीं सोच सकते हैं? ये अच्छा है या बुरा, ये सोच सकते हैं ना, तो समझो ना, कि साबुन लगाने से 10 लाख आता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो साबुन। अब यहां थोड़ा देख लेते हैं, 1920 में 1 रुपए में घर का खर्चा चलता था, यस और नो? 1940 में 10 गुना महंगाई बढ़ी, 80 में 60 में सब 10 गुना महंगाई बढ़ती गई, 2030 में 1 लाख रुपए घर का खर्चा लगेगा, आप 2017 है, दिल में अपने हाथ रखे पूछो, 10,000 में घर का खर्चा चलता है क्या? तो जो 5,000, 7,000, 8,000 कमाते हैं वो जिंदगी जीते हैं या काटते हैं? आप क्या चाहते हो, जिंदगी जीना या काटना? काम तो करना पड़ेगा, काम क्या है, बैठ जाओ कुर्सी पे, बैठो, स्पीच सुनो, नॉलेज लो और आगे बढ़ो, पास करो, कर सकते हो? फुटबॉल का मैच जानते हो ना, उसमें क्या होता है, पास, पास टू पास, तो अपने डाउन लाइन को पास करते जाओ, पास करते जाओ, पास करते जाओ, आगे बढ़ जाओ, राइट? 1 लाख रुपए 2030 के लगेगा। अभी एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बच्चे हमारे बैग लेके नहीं जाएंगे, टैब लेके जाएंगे। आपके घर में 4 बच्चे तो 4 टैब, तो खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो क्या करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए, डिसाइड करो, नहीं बच्चे ऐसे रह जाएंगे, फिर म्युनिसिपैलिटी में भेजना पड़ेगा। तैयार है? आगे बढ़े, हम चेंज होना चाहते हैं, पर सवाल ये है, टाइम एंड मनी, 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे पैसा मिलता, 12 घंटे 12 घंटे 16 घंटे 16 घंटे 24 घंटे 24 घंटे, इससे ज्यादा टाइम है आपके पास, 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हो, इसे कहते हैं लीनियर इनकम, रेखांकित होता है, हो जाता है, नहीं से ज्यादा टाइम है, नहीं से ज्यादा पैसा बना सकते हो, टाइम इज मनी, मनी इज पावर, टाइम लिमिट हो गया तो मनी लिमिट हो गया। लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि रिलायंस टाटा बिरला एक ऐसा इंसान, 2 हाथ 2 पैर एक दिमाग उनके पास भी है, करोड़ों रुपए डेली कमाते हैं, वो करते क्या है, क्या करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम रिलायंस की बात करें, 2 लाख लोग हैं काम करने वाले, 8 घंटे भी काम करते हैं तो 16 लाख घंटे एक दिन में काम होता है, इसलिए वो करोड़ों में खेलते हैं। हमारे पास सिर्फ कितना घंटा है, 24 घंटा, 24 घंटे में अगर जॉब करते हैं तो 8 घंटे कितने घंटे बचे, 16 घंटे में 6 घंटे सोते,
जाता का है। जिस इंसान को अपने टाइम की कदर नहीं हो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। टाइम इज मनी, मनी इज पावर, समय धन है, इसे पहचानो। एक एक मिनट आपका कीमती है, वो कीमती समय तब आपको याद आता है जब आपको एक्सीडेंट होने से बच जाते हो, कभी तब याद आता है एक सेकंड में मेरी जान चली जाती है। वो समय की वैल्यू करो, हमने समय की कदर की इसलिए आज यहाँ पे खड़े हैं। समय की कदर करनी पड़ेगी, वही आदमी सफल होता है जो समय की कदर करता है। चार घंटा जो बचता है ना वो क्या करते बताए? हेलो उधर क्यों देख रहे हो? दरवाजा खुल रहा है खाली, कुछ नहीं हो रहा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा। टाइम है 5 मिनट, अब हॉल का टाइम क्या पता है? देखो किसी को पता नहीं क्योंकि ये यहाँ है ही नहीं, सब कहीं बाहर घूम रहे। 4 घंटा लोग क्या करते हैं पता है? पान की टपरी पे खड़े रह के चौराहे पे गप्पे सप्पे करते हैं और सवाल करते हैं, बोलते क्या है पता है? प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे इतना नॉलेज है तो जाके कुर्सी पे बैठो, यहाँ से खड़े होके पान की टपरी से प्रधानमंत्री को सलाह देते। बहुत राय बहादुर है, मार्केट में आपको मिलेंगे राय बहादुर बहुत। और आप ये चीज बताओ, आप जाते हो लोगों को प्लान बताते हो, जो आदमी 20,000 20 साल से कमा रहा है वो आपको सलाह देता है जिसमें कुछ नहीं होता, और हमें कमाना 10 लाख। एक 10 लाख कमाने की सोच रखने वाला व्यक्ति 20,000 के आदमी से अपने आप को चेंज कर देता है। अक्सर ऐसा ही होता है। सोचो एक 20,000 कमाने वाला व्यक्ति जो 20 साल से 20,000 कमा रहा है, 40 भी नहीं कमा पाया, वो आपको सलाह देता है कि 10 लाख नहीं आएगा। जिसको आता ही नहीं है 20-10 लाख कमाने, वो आपको समझा सकता है क्या? किससे सीखना चाहिए? जो 10 लाख कमा रहा है उससे पूछो ना कैसे आता है। और हनुमान जी बनो यहाँ पे, हनुमान जी की पूजा होती है अर्जुन की, क्यों बताए? अर्जुन ने कृष्ण भगवान से हर समय बहस किया और हनुमान जी ने सिर्फ आज्ञा का पालन किया। जो आज्ञा प्रभु, इसलिए आज पूजा होती है। आप अपलाइन का पालन कर लो, जो कहते हैं वो कर लो, आपको गड्ढे में नहीं डालेंगे, आपको ऊपर उठा देंगे। तैयार है? पहला नॉलेज, किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो क्या चाहिए? दूसरा स्किल, और तीसरा एटीट्यूड। ये 3 चीज आप इसको सही ढंग से करते हो, नॉलेज जरूरी है, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्लान का नॉलेज, और जब आपका नॉलेज बढ़ता है तो आपका स्किल ऑटोमेटिक डेवलप होता है, कौशल डेवलप होता है, और एटीट्यूड 100% पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड 100% पॉजिटिव नहीं है तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। अगर इसको काउंट करेंगे एक नंबर पे T20, T20, I90, T20, T21, T45 टोटल 100% आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना। अगर 1% भी आपके दिमाग में आ गया कि मैं नहीं कर सकता तो काम आपके लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए आज के बाद 100% एटीट्यूड पॉजिटिव रखना, तभी सफलता मिलेगी। करियर बनाने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, सेकंड ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, थर्ड ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, क्या मिलता है? डिग्री। मार्केट में जाकर नौकरी मांग सकते हो, मिलती नहीं है। यस और नो? अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर 3 साल पढ़ाई। लॉयर बनना है तो फिर 3 साल पढ़ाई। एजुकेशन एग्जामिनेशन एजुकेशन एग्जामिनेशन एजुकेशन एग्जामिनेशन, क्या मिलेगा? वकील बन गए, डायरेक्ट कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो? नहीं। फिर 4 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी सीनियर के नीचे रहकर सीखना पड़ता है कि जज के सामने खड़े रहकर कैसे बात की जाती है, एप्लीकेशन कैसे टाइप किया जाता है, सारा कुछ सीखना पड़ता है। यस और नो? यस। 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल लॉयर की पढ़ाई, 4 साल प्रैक्टिस, टोटल 10 साल कंप्लीट करने के बाद कोई गारंटी दे सकता है कि वो वकील 2 लाख रुपए कमा सकता है? कोई गारंटी नहीं है, पर मैं गारंटी देता हूं कि अगर यहां का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो गिरी से गिरी भी अगर 2 लाख रुपए भरना। इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और इस चैनल पर जो लोग भी नए हैं वो लाल बटन दबाकर अभी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिसमें आपको सिलेक्ट करना है ऑल पर, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सारी आप तक पहुँचते रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू वेल्थ।